हे हैंडसम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप कोई भी पहन लें, कुछ भी पहन लें, किस तरह का भी पहन लें, आप कभी भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते, ये आपकी सोच है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से या फिर आपकी बॉडी कंडीशन की वजह से, आपके फेस कलर की वजह से आपको लगता है कि भाई मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता, तो क्या ये बात सच है? आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाला हूँ जो कि ये बताएंगे कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आप सच में अट्रैक्टिव लोगों में पाए जाते हैं या फिर आप अनअट्रैक्टिव हैं। आज की वीडियो में आपको ये साइन मिलने वाले हैं। तो अगर आपके अंदर ये निशानियां नहीं है, ये साइन नहीं भी है, तब भी आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं इन टिप्स की वजह से। तो हे हैंडसम, दिस इज जमान, लेट्स डू इट। हैंडसम, पॉइंट नंबर वन है फुल कंट्रोल। अब फुल कंट्रोल से मतलब मेरा ये है कि ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को बताए बगैर घर से बाहर निकल रहे हैं, जब आपका दिल करे तब घर आए, रात को बाहर रहे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मेरा क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ की जो इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं उन्हें आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ आता होगा, आप उन इवेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि हर इवेंट को अच्छे से हैंडल करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हम इमोशनली अटैच होते हैं, हम अपने इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो इन्हीं इवेंट में, सैडनेस में, हैप्पीनेस में, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं, उन्हें एक सिचुएशन में रख पाते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अपने जो इवेंट से लाइफ में आने वाले उनकी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप सच में एक अट्रैक्टिव इंसान है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो दो चीज़ों पर फोकस कीजिए। सबसे पहले आता है कि आपको अपना जो माइंड है उस प्रॉब्लम पर फिक्स रखना चाहिए जो कि आपके सामने आ रही है। आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कब तक रहेगी और कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है। हमेशा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए। नंबर टू पर आता है कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कुछ लोगों से, कुछ इवेंट से, कुछ ऐसी जगह से जो हमें बहुत पसंद होती है। अगर आप इवेंट्स पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख लेते हैं तो आप सच में बहुत ही डैम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी क्लास का वो फेमस और अट्रैक्टिव बच्चा या फिर आपके रिश्तेदारों में वो फेमस आपका सिबलिंग कोई भी है, उसकी जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है, सेल्फ केयर होती है, बहुत ज़्यादा ऑसम होती है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अपनी सेल्फ केयर पे भी जो है वो फोकस करना चाहिए। अब वो कैसे? अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करेंगे, अपनी ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूव करेंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है, नेगेटिविटी, वो ख़त्म होती जा रही है और जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा अपनी सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना है। अब सेल्फ केयर से क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले आप अपनी स्किन के बारे में जान पाते हैं कि आपको धूप से ज्यादा एलर्जी है या फिर आपको जंक फूड से ज्यादा एलर्जी है या आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। क्योंकि आपकी स्किन क्लियर होगी तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव नजर आना शुरू हो जाएंगे। नंबर टू पर आप अगर ड्रेसिंग करना शुरू हो जाते हैं, अगर आप में कोई कमी है, अगर आप स्किनी हैं, तो आपको ये पता चलता है कि भाई मैंने टाइट जीन्स नहीं पहननी, मुझे थोड़ी सी लूज जीन्स पहननी चाहिए जो कि मेरी लेग्स को पतला नहीं दिखाएगी, मुझे अच्छा दिखाएगी। इसी तरह आप ऐसा ऐसा अपने सेल्फ केयर के लेवल पर जब आप चढ़ते जाते हैं तो आपको समझ आती है कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे लिए हेयर स्टाइल कौन सा अच्छा है, मेरे लिए प्रोडक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट कौन से अच्छे हैं, मेरे लिए कौन से कलर्स अच्छे रहेंगे, मेरे पास शूज़ कौन से होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, आपके उस पर फर्स्ट इंप्रेशन को इम्प्रूव करेगा आपकी सेल्फ केयर। अगर आपने इस पर डिटेल में देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वीडियो के, वो लाजमी देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल जाएगी। तो हैंडसम, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री एंड बिकम मोर हैंडसम। आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो सिर्फ आपके कपड़ों से जज नहीं होती, इससे भी जज होती है कि आप लोगों से बात किस तरह करते हैं। आप जितने भी गुड लुकिंग हैं, लेकिन अगर आप सही तरह के लोगों से बात नहीं करते, उनको अपने पास करीब नहीं आने देते, उनसे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, लोग आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। आप जितने भी अच्छे हों, अट्रैक्टिव हों, आप जितने भी गुड लुकिंग हो, तो आपको अपनी कंजर्वेशन को जो है उन्हें भी अच्छा बनाना चाहिए। अब इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं? सबसे पहले अपने दोस्तों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आप भी उसमें ज्वाइन हो जाइए, इससे आपके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप किसी क्लास में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें लाजमी हिस्सा लीजिए। बेशक आप ना बोलिए, आप जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे आपको बहुत डर लगेगा, आपके 2-3 मिनट होंगे जो स्टार्ट वाले प्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, आपसे गलतियाँ भी होंगी, आपको ए जो है वो बी लिखा हुआ नजर आएगा और बी जो है वो ए लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, एक बार गलत देगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ये 2-3 बार गलती की होगी आपने, ये आपके अंदर इतना
ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके सीनियर हो या फिर आपके टीचर्स हो, मेल हो फीमेल हो, आप हर किसी से अच्छे से बात कर पाएंगे, समझ के बात कर पाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। हमेशा प्रेजेंटेशन में हिस्सा लीजिए। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सी घबराहट होगी, लेकिन एंड में जब आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके बैठ जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का जो है ना एक अलग सा पहाड़ फटेगा आपके अंदर कि भाई मैं काश ये भी लफ्ज़ बोल लेता, मैं ऐसे सही नहीं खड़ा था, मुझे ऐसे खड़ा होना चाहिए था, मैंने ये लफ्ज़ सही नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा। आपके अंदर से खुद ब खुद जो है वाइब्स आएंगे, गुड वाइब्स आएंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप दोबारा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे उसी वक्त। ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा, कन्वर्सेशन बेटर बनाइए। कोई भी हो, आपके सिबलिंग्स हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, आप उनके साथ अपनी जो कन्वर्सेशन है वो ऐसा ऐसा इंप्रूव करते जाए। अगर आप इस सोच में रहते हैं कि यार मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं, मैं हैंडसम भी लगता हूँ या नहीं, तो आप एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अट्रैक्टिव लोगों को लगते हैं या नहीं। वो ये कि आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपको वो लोग भी जानते होंगे जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी आपकी बात भी नहीं हुई उनसे। जैसे कि आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो मोस्टली जो है वो जो फेमस लोग होते हैं उन्हें हर कोई जानता होता है, लेकिन वो जो फेमस लड़का है ना वो किसी को नहीं जानता। यानी कि अब हमारे हम मैं हूँ किसी का सीनियर, अब मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा गुड लुकिंग नज़र आता हूँ, या फिर उन्हें मुझ में कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई होगी जो कि उनको ज़्यादा पसंद आई है, यानी कि मैं उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगाऊँ, तो वो मुझे मेरे बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं। इसी तरह अगर आपको वो लोग भी जानते हैं जो को जिनको आप नहीं जानते, तो आप सच में डैम अट्रैक्टिव हैं, आप लोगों को अट्रैक्टिव लगते हैं, तो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि वो लड़का कितना गुड लुकिंग है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना अट्रैक्टिव है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि मेरे कौन से हैंडसम अट्रैक्टिव भी नज़र आते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूँगा कि हमेशा यूनिक रहिए। अब यूनिक से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल में हैं तो आप लंबी लंबी छोड़ने लग जाएं कि मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे एरोप्लेन है। देखें, आपके पास जो चीज़ भी है किसी को आपको कोई भी उसे कुछ लेना देना नहीं है। आप लंबी लंबी छोड़ते हैं तो लोग आपके फेस पर बैठ कर कहेंगे हाँ भाई हाँ आपके पास है, लेकिन उन्हें असल में पता होता है कि आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आप इतने बड़े होते तो आप एक छोटे से या मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ रहे होते, अगर आप सच में लंबी लंबी छोड़ते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप हमेशा यूनिक रहेंगे, अगर आपके पास साइकिल है तो क्या बुराई है भाई, साइकिल है आपकी, इतनी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बस ठीक है, मैं साइकिल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं क्यों बताऊँ कि मेरे पास गाड़ी है। तो हमेशा यूनिक रहिए, आपके पास जो चीज़ है वो दिखाइए अगर दिखाना चाहते हैं तो। अगर आपको शो ऑफ भी करना है तो हैंडसम मेहनत कीजिए, वो चीज़ अचीव कीजिए, अपने पास अपने गैरेज में वो गाड़ी खड़ी कीजिए, फिर बताइए कि हाँ मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। और ट्रस्ट मी, जब आप ये मेहनत कर रहे होंगे ना वो लैम्बोर्गिनी लेने के लिए, तो आपके अंदर ये जो शो ऑफ होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप किसी को जब आप ले लेंगे आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि भाई मेरे पास ये चीज़ है। तो कभी भी लंबी लंबी मत छोड़ें, यूनिक रहें, जैसे आप हैं वैसे रहें, और अपने अंदर कोई ऐसी हॉबी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो डेवलप कीजिए जो सबके अंदर नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे तो आप कॉलेज में होते हैं तो मोस्टली लोग जो होते हैं टीनेजर होते हैं, तो टीनेजर को जो अभी ये नहीं पता होता कि भाई मैंने करना क्या है, तो आप अपने फ्यूचर को पहले से डिसाइड करके रखिए कि मैंने ये चीज़ स्टडी करनी है, मैं फ्यूचर में ये चीज़ स्टडी करूँगा, मैं यहाँ की जॉब करूँगा या मैं यहाँ बिजनेस करूँगा। इस तरह आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगे कि आपका एक माइंड बिल्कुल फोकस्ड है, आपने जहाँ जाना है आपको ये पता है कि आपने जाना क्या है, आपने क्या करना है। तो ये लोगों में ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव पाई जाती है कि अगर आप यूनिक होते हैं। तो हैंडसम ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं। तो मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और आप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए।